₹100 का पेट्रोल, ₹90 का डीजल, ₹900 में रसोई का गैस, ₹1,000 में रसोई का गैस, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, कोयला खत्म हो रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। एक बात उभरती है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज, एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। इस बात को सही ढंग से पहचानिए।